बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे मिटैग लेफलर फंक्शन की नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। हम देखेंगे कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है मिटैग लेफलर फंक्शन के साथ कैसे सॉल्व की जाती है। कंसीडर द फॉलोइंग नॉन लीनियर फंक्शन फ्रैक्शनल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमने फ्रैक्शनल डिफरेंशियल इक्वेशन लेनी है, डी अल्फा वाई ओवर डी एक्स अल्फा इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर। सबसे पहले हम इसका सिंपल एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद हम इसका मिटैग लेफलर से सॉल्यूशन निकालेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे कि अगर हमारे पास दोनों सॉल्यूशन इक्वल आते हैं तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। अब एग्जांपल नंबर वन है, डी अल्फा वाई ओवर डी एक्स अल्फा इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर। लेट कर लिया हमने यहाँ अल्फा इज इक्वल टू वन पुट कर लिया है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, बराबर आ जाएगा ए डी एक्स के साथ। इंटीग्रियल करना है दोनों साइड्स पे, इंटीग्रेट बोथ साइड। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड में तो आएगा डी वाई ओवर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल ए डी एक्स। अब इंटीग्रेशन की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास ऐसे वाई की पावर माइनस टू डी वाई हो तो वाई की पावर में माइनस टू प्लस वन ओवर माइनस टू प्लस वन, यानी कि y माइनस वन ओवर माइनस वन। तो इधर हम इंटीग्रल की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, y माइनस वन ओवर y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी। इसे हमने इक्वेशन नंबर वन कह दी है। उसके बाद हमें इनिशियल कंडीशन भी गिवन थी, y ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन। तो यहाँ हमने वन पुट कर दिया है, x की जगह हमने जीरो पुट कर दिया, तो c हमारे पास आ गया है माइनस वन के। उसके बाद पुट इन इक्वेशन आई। अब इसे हमने आई इक्वेशन में पुट किया है, तो माइनस वन ओवर वाई, पहले हमने वैसे ही वो सॉल्यूशन लिख लिया है माइनस वन ओवर वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी। अब ये सी की जगह माइनस वन जब हम पुट करेंगे तो माइनस इंटू माइनस वन प्लस माइनस ए एक्स, माइनस माइनस प्लस वन माइनस ए एक्स। तो वन ओवर वाई रेसिप्रोकल में था, जब हम इसका रेसिप्रोकल लें तो वाई इज इक्वल टू वन ओवर वन माइनस एक्स। अब हम इसे हमने इसे सिंपल सॉल्यूशन से चेक किया है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन बनाकर। अब उसके बाद हम इसे मिटैग लेफलर के तरीके से सॉल्व करेंगे इन टर्म ऑफ पावर सीरीज। अब हमारी एग्जांपल नंबर वन है मिटैग लेफलर इन टर्म ऑफ पावर सीरीज। हम इसे पावर सीरीज के तौर पर सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन है डी अल्फा वाई ओवर डी एक्स अल्फा इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन है डी अल्फा वाई ओवर डी एक्स अल्फा इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर। ये इधर प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो गया, ए वाई माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसे हमने इक्वेशन नंबर टू का नेम दे दिया है। हमने कल पिछले लेक्चर में सॉल्व किया था कि हमारे पास जो डी अल्फा है वाई इज इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन अल्फा और गैमा एन माइनस वन अल्फा प्लस वन, और वाई जो था इज इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी ए एन एक्स की पावर एन अल्फा और गैमा एन अल्फा प्लस वन। हमने अपने पिछले लेक्चर में सॉल्व किया था y बराबर ए एन समीशन n इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी ए एन एक्स की पावर n ओवर गैमा n अल्फा प्लस वन। एक ये हमने इक्वेशन प्रूव की थी और एक ये हमने इक्वेशन सॉल्व की थी, इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया था। अब ये हमने क्वेश्चंस में पुट करनी है, जो एग्जांपल मैं कर रही हूँ उसमें क्वेश्चन में हम इसे पुट करेंगे। हमने इसे पुट करना है समीशन एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन अल्फा और गैमा एन माइनस वन अल्फा प्लस वन माइनस ए समीशन एन इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी ए एन एक्स की पावर एन अल्फा और गैमा एन अल्फा प्लस वन का स्क्वायर। हमने उसे क्वेश्चन में पुट किया है तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। उसके बाद स्क्वेयर था तो हमने इसे टू टाइम्स लिख लिया है, समीशन ये चीज एज इट इज माइनस ए, इसे हमने टू टाइम्स लिख लिया है। उसके बाद समीशन एन इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी ए की पावर एन प्लस वन एक्स की पावर एन अल्फा और गैमा एन अल्फा प्लस वन माइनस ए समीशन एन इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी ए के, इसकी जगह हमने पुट कर दिया है के एन इज इक्वल टू के, और इसकी जगह हमने पुटिंग कर दी है एन इज इक्वल टू एन माइनस के, और इस सीरीज की जगह हमने पुटिंग कर दी है एन इज इक्वल टू एन प्लस वन। जब हम इधर n प्लस एन इज इक्वल टू माइनस वन था, जब n इज इक्वल टू वन था, जब हम n की जगह n प्लस वन लिखेंगे तो n प्लस वन इज इक्वल टू वन, n इज इक्वल टू वन माइनस वन और n इज इक्वल टू जीरो। तो हमारी जो जीरो से स्टार्ट हो जाएगी n इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी a की पावर n प्लस वन x की पावर n अल्फा और गैमा n अल्फा प्लस वन माइनस a समीशन n इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी a के x की पावर k अल्फा और गैमा k अल्फा प्लस वन समीशन k इज इक्वल टू जीरो से n a n माइनस वन एक्स की पावर अल्फा एन माइनस के ओवर गैमा एन माइनस के अल्फा प्लस वन। अब समीशंस को बाहर लिख लिया है ए के एक्स के अल्फा ए की पावर एन माइनस के एक्स अल्फा एन एक्स की पावर माइनस के अल्फा, k
के अल्फा से कट गया क्योंकि पावर्स में होता है कि अगर ए की पावर ए है और एक एक्स की पावर माइनस ए है तो दोनों आपस में ऐड हो जाती हैं, तो ए माइनस ए कितना हो गया एक्स की पावर जीरो, तो एक्स की पावर जीरो क्या होती है वन हमारे पास होती है। बाकी एज इट इज हमने इसे उतार लिया है, समिशन एन इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी गैमा एन अल्फा प्लस वन ए एन प्लस वन एक्स की पावर एन अल्फा माइनस ए समिशन एन इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी। अब एन वाली टर्म एक साइड पे कर दी है एक्स की पावर एन अल्फा समिशन के इज इक्वल टू जीरो से एन ए के ए की पावर एन माइनस के ओवर गैमा के अल्फा प्लस वन गैमा एन माइनस के अल्फा प्लस वन एज इट इज लिख ली है। अब हम देख रहे हैं ये पावर हमारे ये हमारे पास अलहदा आ रही है सीरीज, इस सीरीज को हमने सी की पावर एन का नेम दे दिया है कि हमारे पास कोई सी सी की पावर एन है और वो इसके बराबर है समिशन के इज इक्वल टू जीरो से एन ए के ए की पावर एन माइनस के ओवर गैमा एन के अल्फा प्लस वन गैमा एन माइनस के अल्फा प्लस वन। अब हमने इस इक्वेशन में सी की वैल्यू पुट कर दी है, सी एन की वैल्यू जो हमने पुट की है तो हमारे पास ये सीरीज फॉर्म में बन गई। अब इस सीरीज में से हमने x की पावर इस पूरे में से हमने पूरी टर्म में से x की पावर n अल्फा कॉमन ले लिया है, समिशन n इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी भी कॉमन ले लिया है। हमारे पास अंदर बची टर्म a की पावर n प्लस वन ओवर गैमा n अल्फा प्लस वन माइनस ए सी एन, एक्स की पावर n अल्फा कभी भी इक्वल नहीं होगा जीरो से, तो जारी सी बात है ये टर्म इक्वल होगी जीरो के, तो a की पावर n प्लस वन ओवर गैमा n अल्फा प्लस वन माइनस ए सी एन इक्वल है जीरो के, ये इधर माइनस हो रही है टर्म इधर जाके प्लस हो जाएगी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है ए एन प्लस वन इज इक्वल टू ये इधर डिवाइड हो रही है टर्म उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी ए सी एन गैमा एन अल्फा प्लस वन, ए सी एन की जगह हमने दोबारा उसकी वैल्यू पुट कर दी तो ये हमारे पास उसकी वैल्यू थी सी एन की, ये वाली हमने सी एन की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसी में हमने पुट कर देना है एन इज इक्वल टू जीरो, इसी सीरीज में फिर हम पुट करेंगे एन इज इक्वल टू वन, फिर इसमें हमने पुट करना है एन इज इक्वल टू टू और फिर उसको हमने उसकी जो सीरीज है उसमें सारे में पुट कर देना है। अब हमने पुट किया है एन इज इक्वल टू जीरो, एन इज इक्वल टू जीरो इधर पुट करेंगे के भी जीरो हमने पुट कर देना है एन भी जीरो पुट कर देना है क्योंकि हमारे पास जीरो से जीरो तक जा रहा है, के भी जीरो है और एन भी जीरो है, ए जीरो ए की पावर जीरो माइनस जीरो जीरो ओवर गैमा जीरो अल्फा प्लस वन गैमा वन हो जाएगा वन ओवर गैमा जीरो प्लस वन गैमा वन और गैमा वन की वैल्यू वन होती है गैमा जीरो अल्फा प्लस वन गैमा वन, तो ए जीरो ओवर गैमा वन ए वैसे ही आ गया, तो ए ए नोड का स्केयर यानी कि ए जीरो की का स्केयर जो है हमारे पास वो आ गया ए वन की हमारी एक वैल्यू ये निकल आई है। उसके बाद एन इज इक्वल टू हम वन लेंगे, उसी सीरीज में जब हम n इज इक्वल टू वन पुट करेंगे तो ए वन प्लस वन ए टू इज इक्वल टू ए, अब हमने k वन से वन तक लेके जाना है यानी कि वन से वन ही है हमारे पास, a भी हम n भी वन लिखेंगे और k भी हम क्या लिखेंगे वन, a की पावर वन a की पावर वन माइनस वन a की पावर जीरो, हमारे पास क्या आ गया है a की पावर वन और a की पावर जीरो ओवर गैमा वन गैमा अल्फा प्लस वन ओवर इंटू गैमा अल्फा प्लस वन, गैमा अल्फा प्लस वन गैमा अल्फा प्लस वन से कैंसिल, a ए वन की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है ए ए नोड का स्केयर वो पुट किया है और ए नोड एज इट इज ए मल्टीप्लाई बाय ए ए स्केयर ए नोड टू प्लस ए नोड वन कितने हो गए ए नोड की पावर थ्री, इस तरह हमने पुट उसमें एन टू करना है तो हमारे पास ये वाली बन जाएगी वैल्यू ए थ्री इज इक्वल टू ए इंटू ए टू, इसमें हमने के भी टू पुट कर देना है, टू से टू हम ले रहे हैं तो के भी टू पुट करेंगे एन भी टू पुट करेंगे ए टू डॉट ए नोड ओवर गैमा वन गैमा टू अल्फा प्लस वन इंटू गैमा टू अल्फा प्लस वन, गैमा टू अल्फा प्लस वन टू अल्फा प्लस वन से कैंसिल, ए इंटू ए टू की वैल्यू हम ये जो हमने निकाली है ये इधर पुट कर देंगे ए टू प्लस ए ए थ्री हो जाएगा, ए नोड की पावर थ्री प्लस वन ए नोड की पावर फोर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये जो हमने लेट की थी एक सीरीज जो हमारी में टैग लेफ्टर की सीरीज थी जिसे हमने क्वेश्चन में पुट किया था, अब उसे हम ओपन करके लिखेंगे तो ए नोड प्लस ए वन एक्स अल्फा और गैमा अल्फा प्लस वन प्लस ए टू एक्स की पावर टू अल्फा और गैमा टू अल्फा प्लस वन प्लस ए थ्री एक्स की पावर थ्री अल्फा और गैमा थ्री अल्फा प्लस वन प्लस अप टू सो ऑन, इसमें हमने ए वन की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी ए टू की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी ए थ्री की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब हमारे पास ये एक और सीरीज बन गई है इसमें अल्फा इज इक्वल टू वन और ए नोट इज इक्वल टू हम जीरो पुट करें तो वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस ए एक्स प्लस ए स्केयर एक्स स्केयर प्लस ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा। अगर हम इसे सोल्व करें तो वन ओवर वन माइनस ए एक्स हमारे पास इसका इसका सोल्यूशन निकल आएगा। अब हम इसे लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा ए ओवर वन माइनस आर, ये हमारे पास फार्मूला होता है
इसमें ए हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू वन ओवर, और हमारे पास आर क्या है, आर इज इक्वल टू ए एक्स। जब इसे हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, वन ओवर वन माइनस ए एक्स। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है, जो हम पहले हमने सॉल्व किया है इक्वेशन, उसमें भी हमारे पास जो था उसका भी यही सोल्यूशन था, दोनों के सेम सोल्यूशन है। इट्स मीन हमने इस सोल्यूशन को, ये नॉन लीनियर फ्रैक्शनल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसे मिटैग लेफलर के तरीके से सॉल्व कर लिया है।